Bachelor of Science. Today we are going to study a typical reaction from chapter aldehydes and ketones. और ये reaction का नाम रहेगा aldol condensation reaction. सबसे पहले aldol reactions कौन से वाले compounds होते हैं? जैसे अपने पास में कोई simple से compound दिया हुआ CH3 C double bond और dash H. फिर उसके अपने suppose दिया है H C double bond और dash H. इसका नाम रहेगा acid aldehyde. इसका नाम रहेगा formaldehyde. फिर उसके अपने C6H5 C डबल बॉन्ड और डैश एच बेंजाल्डिहाइड लिख दिया किसने, या फिर अगर सपोज यहां पे किसी ने एसिड बॉन्ड लिख दिया C डबल बॉन्ड और CH3. मेन चीज अगर अपने वैसे चार ऑप्शन दिए गए और इसमें से पहचान आ रहा कि कौन सा वाला कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बताएं. सबसे पहली चीज जो रही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन नेसेसरी फॉर कंपाउंड्स टू शो अल्डोल रिएक्शन इज, उसे पहली चीज रही उसके पास में क्या रहना पड़ा, अल्फा हाइड्रोजन एटम रहना पड़ा. कौन सा वाला, अल्फा हाइड्रोजन एटम. तो एक सिंपल सा लाइन याद रख सकते हैं, पर सिंपल मतलब तो जब पे जिसमें जिनके पास में अल्फा होगा क्या होगा, अल्डो. जिनके पास में अल्फा होगा क्या होगा, अल्डो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, अल्फा हाइड्रोजन. सबसे बड़ी चीज अल्फा हाइड्रोजन मतलब अपने पास में जैसे ये ग्रुप में दिस इज कार्बोनिल एटम, कार्बोनिल कार्बन फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप को अगर सपोज डायरेक्टली अगर हाइड्रोजन एटम अटैच हो तो ये जो रहेगा दिस नॉट गोइंग टू हैव अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा मतलब क्या होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड है हमारा कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन को एक कार्बन एटम अटैच करने वाला और ये कार्बन एटम को क्या प्रेजेंट रहने वाला अटैच एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन. तो इसको अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच तो चार ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा वाला अल्डोल होता है, ये वाला रहेगा दिस इज गोइंग टू शो अल्डोल, दिस इज गोइंग टू नॉट गोइंग टू शो अल्डोल, ये अल्डोल नहीं बताएगा और ये वाला कंपाउंड अल्डोल होता है. बेसिकली अल्डोल क्या रहता है, कौन से वाले कंपाउंड होते हैं, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा है उनका क्या होगा, अल्डोल होगा. सेकंड पॉइंट अगर देख सेकंड में रहेगा कि जब ऐसे कंपाउंड्स जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम है उनकी रिएक्शन करने वाला, उनकी रिएक्शन किसके साथ, खुद के साथ या कपलिंग रिएक्शन बोल सकते हैं, इनके साथ इनके प्रेजेंस में बेस के प्रेजेंस में NaOH या फिर यू कैन कंसीडर यूज ऑफ वेरिएंट टू सी सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस का में यू कैन आल्सो यूज KOH. तो जब हम कोई कंपाउंड को जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है उनको रिएक्ट करें या गर्म करें उसके प्रेजेंस में NaOH Na2CO3 एंड KOH के प्रेजेंस में तो हमारे को कौन से वाले रिएक्शन मिलेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी या अपने को कौन सारे रिएक्शन देखेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस. और व्हाट इज अल्डोल उसकी टाइप क्या है वो डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले व्हाट इज अल्डोल, कौन सारे कंपाउंड्स में अल्डोल बनेगा ये देखने के बाद में अल्डोल क्या है वो देखेंगे. अगर अल्डोल को देखें तो हम उसको दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन सी चीजें क्लासिफिकेशन में आ सकती है. सबसे पहला फर्स्ट इफ यू कंसीडर अल्डोल, अल्डोल क्या रहेगा, अल्डोल के नाम को अगर थोड़े तो सबसे पहला आ जाएगा अल्ड प्लस सेकंड रहेगा ऑल दैट इज अल्डोल. मतलब एक में एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा और सेकंड उसके साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा, अल्कोहल. अगर एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप दोनों साथ में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे अल्डोल. फॉर एन एग्जांपल यू कैन कंसीडर CH3 CH2 CH, यहाँ पे अगर कोई लगा दिया मैंने तो अब यहाँ पे CH लगा दिया, सी डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH लगा दिया CH3, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाले कंपाउंड को बोलेंगे अल्डोल. अल्डोल में क्या प्रेजेंट रहना कंपाउंड से कि शुड हैव प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कीटो ग्रुप हो गया या अल्डिहाइड ग्रुप हो गया तो उसको हम बोलेंगे अल्डोल. ठीक, अब हमारे को क्या करना है, अल्डिहाइड कीटोन्स को बेस प्रेजेंस में रिएक्ट करवा के ऐसे वाले कंपाउंड्स तैयार करेंगे. जैसे ये कंपाउंड तैयार हुआ है इनका क्या करना है, आपको गर्म करना है इनको या हीट टू हीट दिस कंपाउंड. इसको जैसे हीट करेंगे इसका क्या हो जाएगा, डीहाइड्रेट और तुम्हारे को अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, जैसे कि CH या डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड और CH3, ये जो हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और ऐसे वाले रिएक्शंस को हम बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. अब वी विल सी वन एग्जांपल हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ अल्डोल, फिर उसके बाद में विल सी शॉर्टकट मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन अल्डोल. सबसे पहला अगर एग्जांपल अगर देखें इस टाइप में अगर देखें सबसे पहला टाइप जो है फर्स्ट टाइप ऑफ अल्डोल इज सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. सबसे पहला जो फर्स्ट इज सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. व्हाट इज सिंपल अल्डोल, अपने पास में फॉर एन एग्जांपल यू कैन कंसीडर एसिड अल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड और डैश एच. अब इसको हम किसके साथ में रिएक्ट करें, CH3 C डबल बॉन्ड और डैश एच के साथ में. अब इसका जो रहेगा अल्फा हाइड्रोजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन जो रहेगा इसको हम CH2 डैश एच के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसका अल्फा हाइड्रोजन किस
ऑक्सीजन का अटैक आएगा। कब अटैक आएगा? जब हम दोनों को किसी प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे एन ओ एच के साथ। बेसिकली अगर सिंपल रिएक्शन की मैकेनिज्म के पॉइंट से बोल सकते हैं, जैसे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, क्यों रहेगा तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव, रूल ऑफ नेचर पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव में। हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास। और ये कार्बन किसके पास जाएगा? ये कार्बन के पास। अब सिर्फ ऐसा है कि मेरे को ये कार्बन को इधर अटैच करा और ये एच और ऑक्सीजन को अगर लगाए तो हाइड्रोक्सीजन बन जाएगा। तो कंपाउंड जो फॉर्म होगा कौन सा होगा? इट इज गोइंग टू बी सी ओ एच। यहाँ एच वैसा कि वैसा लिखा हुआ, ये सी एच थ्री को सिर्फ ये साइड घुमा दिया, इट इज यहाँ आ जाएगा सी एच थ्री। अब नेगेटिव पार्ट में अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन, ये कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ जाएगा सी, फिर उस क्लब में आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे सी एच टू, सी एच टू और सी डबल बॉन्ड हो डैश। ये वाला जो कंपाउंड होता है दिस इज गोइंग टू बी एल्डोल, ये वाला जो है एल्डोल। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? एल्डोल कंडेंसेशन में इसको हीट कर, अगर इसको तुमने हीट कर, हीट करने का में क्या मिलेगा? ये गेट सी डबल बॉन्ड हो डैश एच। के बाद में इसका दो चॉइस है और एलिमिनेशन ऑब्वियसली किसका होगा? एएमजी का, दैट इज एक्टिव मिथाइल ग्रुप, विल गेट सीएच डबल बॉन्ड सीएच सीएच3। तो ये जो रहेगा दिस इज गोइंग टू बी अ कंपाउंड व्हिच इज ऑपरेट अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इसका नाम रहेगा ब्यूटूरिना। क्या नाम रहेगा? ब्यूटूरिना। तो ये जो रहेगा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्यूटूरिना, टू ब्यूटिनॉल हो सकता है, तो टू ब्यूटिनॉल इज ऑपरेट एज कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड। अब चीज इसमें ऐसी है कि जैसे कि इतनी बड़ी मैकेनिज्म, तुम्हारे को इतना टाइम लगेगा नहीं, तुम्हारे को तो सिर्फ क्या निकालना है कि एक सेकंड में तुम्हारे को इसका आंसर आ जाएगा, आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी चीज है, एल्डिहाइड जो भी दिया है सी एच थ्री सी सी एच, उसको सिर्फ लिखने का ढंग अलग लिख रहा, जैसे ये हो गया एच हो गया ऐसे डाल के, ठीक है। वापस से क्या करना, सेम मॉलिक्यूल इसका लिखना, जैसे ये लिख दिया तुमने सी डबल बॉन्ड और एच एच, यहाँ पे लिख दिया सी एच और यहाँ पे सी एच को लिख दिया, डायरेक्ट इसको रिएक्ट कर दो, इसका ऑक्सीजन ले लो, इसका हाइड्रोजन यूल गेट सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे एच वैसा ही वैसा सी एच सी डबल बॉन्ड और एच एच, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पता। तो ब्यूट टू इनार यहाँ पे बना, यहाँ पे ब्यूट टू इनार बना। मेन चीज़ एक शॉर्टकट ट्रिक फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन एल्डोल।